हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी के लिए फिर से नई जॉब वैकेंसी का अपडेट लेकर आ गया हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एयरपोर्ट के जॉब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो एयरलाइन के जॉब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गो इंडिगो में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है, नए नए पदों पर जॉब आ गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आप लोगों का ड्रीम है एयरलाइन में जॉब करने का, ड्रीम है एयरपोर्ट पर जॉब करने का ड्रीम है, तो इस वीडियो पर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी दी जाएगी, डिटेल में बताया जाएगा कि यहाँ पर इंडिगो एयरलाइन में किस किस पोस्ट पर किस किस पोजिशन पर जॉब आया है, जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे आपको निकालना है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, स्किल क्या मांगा गया है, आवेदन का अंतिम तिथि क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, स्किल क्या मांगा गया, पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। एंड कैसे आपको अप्लाई करना है, फॉर्म भर के कैसे सबमिट करना है, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। बाकी अप्लाई करना भी सिखाया जाएगा। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप लोगों का ड्रीम है एयरलाइन में जॉब करने का ड्रीम है, तो वीडियो पर शुरू से एंड तक बने रहिएगा, सारी की सारी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। एंड आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं इंडिगो एयरलाइन में लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हो 2023 का लेटेस्ट भर्ती आ गया है। बाकी यहाँ पे फ्री अप्लाई है, कोई भी अप्लाई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना सिखाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करके अप्लाई करना आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 10th पास के लिए, 12th पास के लिए और ग्रेजुएट वालों के लिए भी जॉब आपको देखने को मिलेगा, सैलरी भी आपको गुड मिलेगा, ऑल इंडिया के लिए जॉब है, ये भी बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोग जॉब की तलाश कर रहे हो। तो क्या कैसे करना है, डायरेक्ट मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके बताऊंगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड आपको करना क्या है, अगर आप लोगों को इंडिगो एयरलाइन का जॉब का डिटेल निकालना है, तो सबसे पहला काम यह है कि आप लोगों को इंडिगो की वेबसाइट पे आ जाना है। यहां पर आप देख सकते हैं www.goindigo.in, यह है डोमेन नेम, यह है गो इंडिगो का ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस वेबसाइट पे सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के लिए क्या करना है, कोई भी ब्राउजर ऐसा ओपन करके सर्च कर सकते हो इंडिगो, INDIGO। जैसे आप यहाँ पे इंडिगो सर्च करोगे तो यहाँ पे टॉप पे वेबसाइट आ जाएगा गो इंडिगो का, जो कि आप देख सकते हैं www.goindigo.in। इस पे आपको विजिट करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे इंडिगो एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ जाओगे, जो कि कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह है दोस्तों इंडिगो एयरलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल पेज, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पे आने के बाद क्या करना है, कैसे जॉब का प्रोफाइल निकलेगा, कैसे जॉब के पेज पे जाना है, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो पे बने रहना है, वीडियो को कहीं पे स्किप नहीं करना है। काफ़ी लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, तो स्किप नहीं करना है, शुरू से एंड तक देखना है, क्योंकि इसी वीडियो में आपको अप्लाई करना भी सिखाया जाएगा। तो अब इस वेबसाइट पर आने के बाद क्या करना है, आपको स्क्रोल करके नीचे की तरफ आना है। ऐसा स्क्रोल करके नीचे की तरफ आइएगा। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल लिंक देखने को मिलेगा, अलग अलग आपको यहाँ पे बटन लिंक देखने को मिलेगा, लेबल देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। सो हमें क्या ढूंढना है, हमें यहाँ पे ढूंढना होगा कैरियर का लिंक, जिसके थ्रू हम जॉब का डिटेल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हमें देख लेना है, यहाँ कहीं पे हमें कैरियर का लिंक मिलता है, तो ये आप देख सकते हैं क्विक लिंक्स के लेबल में ऑफर्स के नीचे आपको मिल जाएगा कैरियर्स का लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कैरियर्स के लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोग रिडायरेक्ट हो जाओगे एक न्यू पेज पे। यहाँ पे हमने क्लिक किया कैरियर के लिंक पे, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आया, इसे आप रीड कर सकते हो। इसके बाद आप इसे कैंसिल करो और फिर क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे इस बार आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गो इंडिगो कैरियर का यहाँ पे एक बटन है, नीचे की तरफ आपको एक बटन मिलेगा और सर्च एंड अप्लाई का लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च एंड अप्लाई के लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोग रिडायरेक्ट हो जाओगे जॉब के पेज पे, जहाँ पे आपको गो इंडिगो के जॉब के अपडेट देखने को मिलेंगे, जो कि अभी हाल फिलहाल के डेट में अपडेट किया गया है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। यह है दोस्तों गो इंडिगो का ऑफिशियल वेबसाइट, जॉब का पेज। इसी पेज पे जॉब के बारे में अपडेट होता है, आप यहां पर देख सकते हैं। एक दिन पहले का जॉब अपडेट है, दो दिन पहले का है, सात दिन पहले का है, आठ दिन, नौ दिन, एक महीने का है, दो महीने का है, तीन महीने का है, मतलब जो भी लेटेस्ट यहां पे इंडिगो एयरलाइन में भर्ती आता है, रिक्रूटमेंट निकाला जाता है, वो आपको इसी पेज पे देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं। टोटल यहां पे दोस्तों 227 ओपनिंग है, यानी कि 200 प्लस यहाँ पे जॉब निकाला गया है गो इंडिगो में एयरलाइन का, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आने के बाद जॉब प्रोफाइल कैसे निकाल के कैसे अप्लाई करना होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इससे पहले कुछ और भी जानकारी है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आपको बॉक्स देखने को मिलता है, इन बॉक्स का क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वाले बॉक्स में आप जॉब का टाइटल, जॉब का कीवर्ड देके जॉब सर्च कर सकते हो। सेकेंड में आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो,
यानी कि आप किस कैटेगरी का जॉब ढूंढ रहे हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि फाइनेंस का हो गया, सेल्स का हो गया, या फिर इंजीनियरिंग का हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो गया, फ्लाइट ऑपरेशन का हो गया, डिजिटल का हो गया, लीगल का हो गया, यहाँ पे फ्लाइट सेफ्टी का हो गया, अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि किस कैटेगरी से रिलेटेड आप जॉब ढूंढ रहे हो एयरलाइन में, गो इंडिगो में, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना। बाकी यहाँ पे लोकेशन है कि आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन का ही जॉब ढूंढ रहे हो, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जॉब का टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, फुल टाइम, टेम्परेरी, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये फिल्टर है, अगर यूज़ करना है तो कर सकते हो। बाकी नीचे की तरफ आपको लेटेस्ट जॉब देखने को मिलेगा जो कि अभी हाल फिलहाल के डेट में अपडेट किया गया है। सो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को डेमो के लिए सिखाता हूँ कि कैसे हमें अप्लाई करना होता है जॉब का प्रोफाइल निकाल के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, किसी भी पोजिशन का आपको डिटेल निकालना है, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। मैं डेमो के लिए कोई भी पोस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये देख सकते हैं गुवाहाटी लोकेशन का जॉब है, जो कि ऑफिसर एग्जीक्यूटिव का जॉब है, कस्टमर सर्विस का जॉब है। अगर इसके लिए हमें अप्लाई करना है, इस पोस्ट का हमें डिटेल निकालना है, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पे ऐसा क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे ऐसा क्लिक करेंगे, तो इस पोस्ट का, इस पोजीशन का, जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल आप लोगों के सामने आ जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब का टाइटल है, जो कि ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस का जॉब होगा। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं पोजीशन का नेम है, जॉब का लोकेशन गुवाहाटी लोकेशन का जॉब है। बाकी नीचे की तरफ देख सकते हो जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर दिया गया है, बोथ ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, ठीक है। मतलब सभी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल चाहिए, और उसके साथ साथ उसका फोटोकॉपी भी चाहिए, जैसे कि सीवी हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ये सब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस लेटर एंड सैलरी डिटेल्स, ये सब आपके पास अगर है तो ये सब भी ले जाना। तो ये सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जो आपके पास होने चाहिए, इसका जेरोक्स भी होगा और ओरिजिनल भी होगा, ठीक है। तो ये सब डिटेल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट मांगा गया है। और नीचे की तरफ क्या है, स्किल, जो स्किल होना चाहिए यहाँ पर दिया गया है, गुड कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। और नीचे की तरफ देख सकते हो और भी डिटेल है, सारा का सारा डिटेल है, जो कि आप लोगों को पढ़ लेना है। और अगर आप एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट पे आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो बहुत ही इजी सा काम है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे देखो आपको लॉग इन टू अप्लाई का बटन मिलता है, जिस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे साइन अप करना होगा। साइन अप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड देके साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप यहाँ पे लॉग इन कर लेना। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना है, हमने साइन अप किया है, तो हमने यहाँ पे अपना जीमेल पासवर्ड दे दिया। अभी हम यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करेंगे, तो हमारा यहाँ पे अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन होने के बाद दोस्तों में फिर से उसी पोस्ट पे जाना है जिस पोस्ट पे हमें अप्लाई करना था। तो ये रहा ऑफिसर एग्जीक्यूटिव का जॉब है, कस्टमर सर्विस का जॉब है, गुवाहाटी लोकेशन का जॉब है। हमें यहाँ पे फिर से ऐसा क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे, तो इस बार दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। अगली बार यहाँ पे था लॉग इन टू अप्लाई का, पहले लॉग इन फिर अप्लाई होगा, बट अभी यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हमें यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे, तो हम लोगों के सामने एक अप्लाई का फॉर्म आ जाएगा, आवेदन पत्र आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। इसी फॉर्म को आप लोगों को भरना है आवेदन करने के लिए। बेसिक डिटेल में जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है यहाँ पे एंटर करना, मिडिल नेम है तो एंटर करना, फिर यहाँ पे लास्ट नेम, ईमेल आईडी, जीमेल आईडी, एक्सपीरियंस इन ईयर इन मंथ में दे सकते हो, फिर फ़ोन नंबर, फिर यहाँ पे आपको रिज्यूम अपलोड करना है, जो आपका रिज्यूमे है, जो कि मेन पॉइंट है। रिज्यूम आपको जरूर अपलोड कर देना, क्योंकि रिज्यूमे से ही ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे रिज्यूम अपलोड करिएगा। बाकी यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस क्या है यहाँ पे एंटर कर सकते हो, करंट सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, अल्टरनेट कोई नंबर हो वो दे सकते हो, जेंडर मेल फीमेल जो हो सिलेक्ट करना, डेट ऑफ बर्थ देना, और आपके पास पैन कार्ड है तो वो भी देना, और यहाँ पे नंबर आपको देना होगा पैन कार्ड का, पासपोर्ट है तो यस करना, नहीं है तो नो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको पासपोर्ट का नंबर वगैरह, इशू डेट क्या था, सब कुछ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डिटेल दीजिएगा, जो भी आपसे मांगा जाता है। एकेडमिक डिटेल में आपको एकेडमिक डिटेल के बारे में देना है, वर्क एक्सपीरियंस में आपको वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल देना है, एडिशनल डिटेल में और भी दे सकते हो, जो भी डिटेल यहाँ पे मांगा जाता है सारा डिटेल आपको बिल्कुल सही देना है, यहाँ पे टाइप करना है, सिलेक्ट करना है। और लास्ट में नीचे की तरफ दोस्तों आपको यहाँ पे एग्री करना है, इसका कुछ टर्म्स और कंडीशन है, एग्री करना, और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक
करना। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे इंडिगो एयरलाइन में जॉब के लिए, नौकरी के लिए आवेदन हो जाएगा, सबमिशन हो जाएगा बिल्कुल फ्री में, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी शुल्क के। सो इसी प्रकार से आप लोग इंडिगो एयरलाइन में जॉब के लिए, नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ मैंने बता दिया है। एंड हाँ, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इंडिगो एयरलाइन में एक ही पोस्ट पे नहीं बल्कि दोस्तों यहाँ पे 200 से ज़्यादा यहाँ पे ओपनिंग है, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना, जिस भी पोस्ट पे आप एलिजिबल हो उसी पे अप्लाई करिएगा। बाकी आप इस पेज पे, इंडिगो एयरलाइन के जॉब के पेज पे मंथली वीकली विजिट करते रहना, क्योंकि यहाँ पे जॉब पर डे अपडेट होता रहता है। जब भी दोस्तों आपके लायक आपको जॉब देखने को मिले जिस पे आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन करिएगा। बाकी जाते जाते एक जरूरी जानकारी दे दूँ, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कॉल या फिर मेल आए और वहाँ पर यह बोला जाए हम यहाँ से बोल रहे हैं, इस कंपनी से बोल रहे हैं, इंडिगो एयरलाइन से बोल रहे हैं, इतना पेमेंट करिए डायरेक्ट आपका जॉब लग जाएगा, भर्ती हो जाएगा, आप ये OTP बताइए डायरेक्ट आपका भर्ती हो जाएगा, तो आपको इन सब झांसों में आके किसी को कोई भी पैसा या फिर किसी भी प्रकार का OTP का लेन देन नहीं करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलेंगे हम लोग किसी नए जॉब अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।